जो जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है उन सब के रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पे भी हमें पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पे हमने क्या पढ़ा, चार्ज पढ़ा, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ पढ़ी, वहाँ पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें एज इट इज़ और उससे थोड़ा सा कम पढ़ेंगे, ठीक है, कम ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, तो जिस तरह से कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए उसी तरह से मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेट के लिए भी कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ से हम पता क्या करते थे, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, यहाँ पे भी हम वही करते हैं, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक पोल, राइट। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा, जैसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बोलें, FM से डिनोट करो या फिर FB से करो, B मतलब भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, M मतलब कई लोग MB यूज़ करते हैं ताकि ये थोड़ा सिंपल हो, पढ़ने में सिंपल लगे, फैमिलियर लगता है ये ज़्यादा, बाकी FB इज ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पोल्स इज गिवन बाय और इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ टू पोल्स, जो मैग्नेटिक पोल्स हैं उनके स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये एग्जैक्टली सेम है जो कूलम्स लॉ में चार्ज के लिए अपन ने पढ़ा है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ बी इज इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट के इंटू क्यू एम वन क्यू एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दिस के इज इक्वल्स टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई फोर पाई। ये एक्सपेरिमेंटली हमने ये वैल्यू निकाली एंड दिस वैल्यू इज फॉर फ्री स्पेस म्यू नॉट, यहाँ पे होते 10^-7, राइट। यूनिट क्या हो जाएगी, ये टोटल है क्या, फोर्स है, इसका मतलब इसका टोटल यूनिट इज न्यूटन, तो इस के की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो तब होता जब ये क्या होता, जब ये चार्ज होता, यहाँ तो चार्ज नहीं है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर है, हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर, टेस्ला तो मैग्नेटिक फील्ड का होता है, हाँ डब्ल्यू बी इज रबर, रबर पर मीटर भी मैग्नेटिक फील्ड का ही है। तो इसका यूनिट ध्यान रखना, इसके हम वापस आएंगे कि आगे बस ये जो पोल स्ट्रेंथ है उसकी यूनिट हम क्या करें, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग एफ बी इज दिस और इसकी यूनिट है 10^-7, ठीक है। और इसको हमने बोला है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है। तो इतना सा जो पार्ट है एफ बी इक्वल्स टू के क्यू एम वन क्यू एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दैट इज कूलम्स लॉ, ओके। इसमें म्यू नॉट को बोला जाता है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी जगह अगर म्यू होता दैट इज परमीबिलिटी ऑफ मीडियम, जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परमिटिविटी होती है वो एक मीडियम की प्रॉपर्टी है, उसी तरह से ये मीडियम की प्रॉपर्टी है कि उस मीडियम में अगर बाकी सारी चीज़ें सेम हैं लेकिन हमने सिर्फ मीडियम चेंज किया तब भी मैग्नेटिक फोर्स में एक डिफरेंस आएगा, वो जो डिफरेंस आ रहा है वो मीडियम के कारण आ रहा है। तो मीडियम की उस प्रॉपर्टी को जो कि फोर्स को डिसाइड करता हो या फोर्स को ऑल्टर करता हो, फोर्स को चेंज करता हो, उसे हम परमीएबिलिटी बोलेंगे, राइट। तो इस म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो ध्यान से, म्यू नॉट इज नथिंग बट 4π × 10^-7, इसकी यूनिट होती है हेनरी पर मीटर, म्यू नॉट की यूनिट है हेनरी पर मीटर, राइट। ये हो गया म्यू नॉट।
अब इसी के बेसिस पे हम लोग वन यूनिट पोल स्ट्रेंथ को भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक यूनिट पोल स्ट्रेंथ क्या होता होगा। ठीक है, एक यूनिट पोल स्ट्रेंथ के लिए इसको हम स्टैंडर्ड कंडीशंस में अगर देखें तो दिस एफ विल बिकम म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई विच इज 10^-7, क्योंकि ये कांस्टेंट, इसको तो अपन चेंज नहीं कर सकते। बचा ये Qm1 Qm2, ये अगर यूनिट पोल स्ट्रेंथ है दैट मीन्स दिस इज 1 यूनिट × 1 यूनिट डिवाइडेड बाय, इसको भी अगर 1 रख दिया दैट इज 1 मीटर, तो फिर ये फोर्स कितना हो गया, फोर्स इज 10^-7 न्यूटन। तो एक पोल स्ट्रेंथ क्या हो गया, 1 यूनिट पोल स्ट्रेंथ इज दैट स्ट्रेंथ ऑफ अ पोल विच व्हेन केप्ट 1 मीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 10^-7 न्यूटन। क्लियर, समझ में आ गया? ये डेफिनेशन खुद लिख लोगे या मैं लिखाऊं? खुद लिख लोगे, राइट? वन यूनिट पोल स्ट्रेंथ इज दैट स्ट्रेंथ विच व्हेन प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 10^-7 न्यूटन। तो यही है कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो जैसे हमने यही चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये था कि डाइपोल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, प्लस क्यू के साथ एक माइनस क्यू आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, प्लस क्यू एक पॉजिटिव चार्ज या माइनस क्यू एक नेगेटिव चार्ज इंडिपेंडेंटली दे में एग्जिस्ट। लेकिन मैग्नेटिज्म में क्या है, मोनोपोल इज नॉट एन एंटिटी, मोनोपोल जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, यहाँ पे जो भी होगा वो डाइपोल होगा। मतलब एक बार मैग्नेट है फॉर एग्जाम्पल, दैट इज अ डाइपोल, राइट? तो इसमें जो इसकी पोल स्ट्रेंथ है, इफ दैट पोल स्ट्रेंथ इज Qm, तो ये नॉर्थ होगा तो दूसरा साउथ अपने आप हो जाएगा, तो पोल स्ट्रेंथ भी सेम ही होगी, पोल स्ट्रेंथ अलग नहीं होगी। तो इसीलिए इसमें अगर हमसे कोई बोले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंटेड बाय m, तो m इज इक्वल्स टू q वेक्टर, वेयर 2l इज डाइपोल लेंथ। ठीक है, ऑब्वियसली एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होगी, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होगी, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल की, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ, वहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगेन इसके यूनिट को अभी अपन नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि यूनिट में क्या है, Qm है ना, और Qm तो अभी तक अपन ने इसका यूनिट देखा नहीं, तो इसको अभी वापस यूनिट को छोड़ते हैं। ठीक, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, राइट? नेक्स्ट, फील्ड ड्यू टू डाइपोल, कौन सा डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल। अब याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने डाइपोल और डाइपोल मोमेंट पढ़ने के बाद यही पढ़ा था, एक इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद हमने पढ़ा था जब डाइपोल को हमने, जब डाइपोल को मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, दो चीज़ें हुई थी वहाँ पे, एक कैटेगरी अलग था जिसमें हमने डाइपोल के कारण, डाइपोल के कारण क्या पढ़ा था, एक्सिस पे और इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? और फिर हमने पढ़ा था अगर एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो इस डाइपोल के साथ क्या होता है, यहाँ पे इस पर क्या लगता था, एक टॉर्क लगता था, वो टॉर्क कितना होता था, टी क्रॉस ई, राइट? सिमिलर चीज़ें अब हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो एक मैग्नेटिक डाइपोल के कारण, अगर ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है तो इस मैग्नेटिक डाइपोल के कारण इसके एक्सियल लाइन पे कितना फोर्स लगेगा या कितना फील्ड होगा, राइट?
हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे फील्ड। तो जिस तरह से फोर्स क्या था, मैग्नेटिक फोर्स हमने क्या पढ़ा, दिस इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई Qm1 Qm2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट दिस फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये क्या हो जाता है, दिस इज म्यू नॉट Qm डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ये होती है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसके कारण हमें यहाँ पे निकालना है। अगेन एग्जैक्टली सेम है जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने डायपोल के कारण निकाला था, इसके कारण हमें यहाँ पे निकालना है। ये जो डिस्टेंस दी होगी इस पॉइंट पी की, जिस पॉइंट पी इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये दिया रहेगा फ्रॉम सेंटर ऑफ द डायपोल। इस टोटल की लेंथ है 2L, दैट इज द डायपोल लेंथ। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज एक्स माइनस एल और इस पोल का एक्स प्लस एल। नाउ सपोज इसमें एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से जो फोर्स, अगर यहाँ पे एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता तो उस पर जो फील्ड होती वो इस तरह होती, उस पर जो फोर्स लगता वो इस डायरेक्शन में लगता, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, और वैसे भी जब भी हम फील्ड बनाएंगे तो फील्ड को हम नॉर्थ पोल से निकलता हुआ दिखाएंगे और साउथ पोल में एंटर करता हुआ दिखाएंगे। सो इट इज़ ऑलवेज अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज़ बी ड्यू टू नॉर्थ पोल है। या अगर ये पॉइंट ए है, ये बी एन इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल, और साउथ पोल के कारण जो होगा वो टूवर्ड्स, यानी कि दिस इज बी एस। अब सोचो बी एस और बी एन में किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, बी एस का या बी एन का, बी एन का। सो दिस बी एन का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन बी एस का मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि ये इससे ज़्यादा पास है, ये वाला पोल इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से पास में है। आर की वैल्यू कम हो गई तो आर स्क्वायर की और कम हो जाएगी और बी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये दूर है तो इसमें जो फील्ड है उसकी इंटेंसिटी इसके कारण यहाँ पे कम हो जाएगी। अब जो टोटल फील्ड होगा, क्योंकि दोनों अलॉन्ग सेम लाइन है बट ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल माइनस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल इस केस में। ठीक है, तो वो कितना हो गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई तो कॉमन ही आएगा, क्यू भी कॉमन आएगा क्योंकि दोनों पोल की स्ट्रेंथ सेम है, तो क्यू एम इज कॉमन। बचा गया सिर्फ 1 बाय x माइनस l होल स्क्वायर माइनस 1 बाय x प्लस l होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू एम। अब आगे क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज 4 ab। तो यहाँ पे 4 xl डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल टू द पावर 2। अब ध्यान से देखो, qm इंटू इसमें से हम 2l ले सकते हैं, तो qm इंटू 2l क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। सो दिस इज म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2m मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और ऊपर एक x। ठीक है, अब इसका स्पेशल केस क्या है, व्हेन x इज वेरी वेरी हाई एज कम्पेयर टू l, मतलब ये जो डाइपोल छोटा है बहुत और जो यहाँ से डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की वो बहुत ज़्यादा है, तो x के कंपैरिजन में हम l को जहाँ पे l x में ऐड हो रहा हो वहाँ से हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में से इसको हटाया तो ये क्या हो गया, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 2 इंटू m इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4
which is equals to mu naught by 4 pi 2m divided by x cube. ठीक है, x क्या है, x डिस्टेंस है, x लो, r लो, a लो, जो भी लेना चाहो. ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या इस डायरेक्शन में है, और क्या साउथ टू नॉर्थ ही डाइपोल मोमेंट भी होता है? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी साउथ टू नॉर्थ है. फोर्स की डायरेक्शन भी जो रिजल्टेंट होगी, जो फाइनल होगा, वो साउथ टू नॉर्थ ही होगा. तो अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई 2 एम डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, उसकी डायरेक्शन वही होगी. और अगर ये तो है हमारा स्पेशल केस, जनरल केस में भी यही होगा. जनरल केस में भी ये m के ऊपर, मतलब m वेक्टर के ही डायरेक्शन में होगी. ठीक है, नेक्स्ट, सेम डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड दिस टाइम कहाँ पे, इक्वेटोरियल लाइन पे. तो इक्वेटोरियल लाइन पे अगर कोई पॉइंट है P, अगेन इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर ऑफ डाइपोल से दिया गया है x, लेंथ इज 2l, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इज l. तो अब पॉइंट का पोल से जो डिस्टेंस है दैट इज ये वाला डिस्टेंस. ये डिस्टेंस कितना है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट का इस पोल से भी है. तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, राइट? ओके, अगर हमने इस एंगल को थीटा एंगल मान लिया, आगे ये एंगल काम आएगा वो देखें. इस साउथ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन इधर होगी. दिस इज बी एस बोल दिया इसे. नॉर्थ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन इधर होगी, दैट इज बी एन. क्या बी एन और बी एस इन दोनों के मैग्नीट्यूड, बी एन इज इक्वल्स टू बी एस, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे? क्यों? क्योंकि पोल स्ट्रेंथ भी बराबर है और ये डिस्टेंस भी बराबर है. तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई क्यू एम डिवाइडेड बाई जो ये डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. तो दोनों पोल स्ट्रेंथ तो बराबर हैं, दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, इसीलिए दोनों मैग्नेटिक फील्ड भी बराबर हो गए. उनका मैग्नीट्यूड बराबर हुआ बट डायरेक्शन अलग अलग है. अब क्योंकि ये डायरेक्शन अलग अलग है तो इसीलिए इसको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते एज अ स्केलर, हमें इसे कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड करना है. तो कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड करने के लिए एंगल अपन ने लिया था थीटा. तो अगर ये एंगल थीटा है, राइट, तो और कौन सा एंगल थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, राइट? और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और इसी तरह से ये भी थीटा. तो इसके कॉम्पोनेंट्स जो दो बनेंगे, वर्टिकल कॉम्पोनेंट होगा बी एन साइन थीटा एंड बी एन बी एस साइन थीटा, जो कि ऑब्वियसली एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये इक्वल एंड ऑपोजिट है. तो सिर्फ ये बी कॉस थीटा टू बी कॉस थीटा इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड. इसे चलो बी एन बोलो या बी एस बोलो, एक ही बात है. सो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड और टोटल मैग्नेटिक फील्ड. अब इसको ध्यान से देखो, ये दोनों किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में, साउथ टू नॉर्थ. क्या ये डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है ना, साउथ टू नॉर्थ. और ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन है. तो एक्सियल का जस्ट उल्टा है यहाँ पे, एक्सियल में इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, इक्वेटोरियल में इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, राइट? अब आगे देखते हैं इसको, बी एन की जगह मैं वही लिखूँ, टू इंटू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई क्यू एम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. आगे लिखना है हमें कॉस थीटा. वॉट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा इज एल डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर, तो दिस इज एल डिवाइडेड बाय इसका रूट, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 3 to the power 3 by 2। अब ध्यान से देखिए, 2 क्यू एम एल, दिस इज म्यू नॉट इन टू एम डिवाइडेड बाय 4 pi डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3 by 2, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। और डायरेक्शन वाइज अगर हम देखें तो ये एम के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, दैट इज म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाय 4 pi इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3 by 2। ठीक है, इसके बाद अगर स्पेशल केस लें, व्हाट इज स्पेशल केस, व्हेन एक्स इज वेरी 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 लार्ज एज कंपेयर टू एल, तो वापस एक्स को रहने दें और एल को नेगलेक्ट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाय 4 pi इंटू एक्स क्यूब। अब अगर इसको कंपेयर करोगे तुम एक्सियल से, एक्सियल में क्या आया था, एक्सियल में यही भी आई थी, म्यू नॉट 2m डिवाइडेड बाय 4 pi एक्स क्यूब। मैं स्पेशल केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो दोनों को अगर कंपेयर करो तो क्या हमें दिखता है, एक तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, दूसरा एक्सियल पे जो फील्ड की स्ट्रेंथ है दैट इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑन इक्वेटोरियल, अगर इक्वेटोरियल में भी उतने ही डिस्टेंस पे जितने डिस्टेंस पे एक्सियल में है, तो एक्सियल पे हमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी और इक्वेटोरियल पे कम मिलेगी। और यही रीज़न है कि अगर मैग्नेट ऐसे रखा हुआ था तो ज़्यादा यहाँ और यहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये एक्सियल पे आता है और इस डायरेक्शन में मिनिमम अट्रैक्शन होता है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का। नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, ये देखो ना, एम की डायरेक्शन किधर है, मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ से कहाँ है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये रही, और जो यहाँ पे फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है दोनों, तो इसीलिए फील्ड और मोमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट, लेकिन यहाँ पे फील्ड और मोमेंट की डायरेक्शन सेम, तब जब ये एक्सियल पॉइंट हो तो। नेक्स्ट, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, ठीक है, मतलब जितनी पोल, जितनी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पे होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ भी होगी, नॉर्थ एंड साउथ जो इस मैग्नेट का दिख रहा है वो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट, क्यों, क्योंकि दोनों की पोल स्ट्रेंथ भी सेम है QM, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंटेंसिटी यहाँ यहाँ हर जगह सेम है, राइट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा हुआ है फोर्स इज इक्वल्स टू QE, इसी तरह से यहाँ पे भी मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू QM इंटू B, तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा QM इंटू B, और यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, तो इस ऑब्जेक्ट पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगे QM B, तो इसका जो नेट फोर्स है एफ नेट वो कितना हो गया 0, तो इस पे कोई नेट फोर्स तो नहीं लगेगा, तो ये कोई ट्रांसलेटरी मोशन भी शो नहीं करेगा, लेकिन ये है क्या, इट्स अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं, राइट, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, उसको कपल बोलेंगे, तो जब भी कपल एक है तो उसमें एक टॉर्क या फिर टर्न आएगा, तो उस टॉर्क का वैल्यू होता क्या है, जो फोर्स है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है QM इंटू B, और डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है ना, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक यहाँ एक फोर्स यहाँ
एक फोर्स यहाँ, ये डाइपोल, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ये अगर 2L है और डाइपोल इज मेकिंग एंगल थीटा विद बी, क्योंकि ये बी की डायरेक्शन है, देन दिस इज 2L साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखूँ, 2L साइन थीटा, सो QM इंटू 2L क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, सो दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट इंटू बी इंटू साइन थीटा, दैट इज टॉर्क, ठीक है। अब M की डायरेक्शन किधर है, साउथ टू नॉर्थ, अगर फोर्सेज ऐसे लग रहे हैं तो ये रोटेट कैसे होगी, ऐसे राइट, ऐसे रोटेट होगी क्लॉकवाइज, और ये है क्या, तो अब हमें ये देखना है कि इज दिस M क्रॉस B और B क्रॉस M, तो इस डायरेक्शन में है M और इस डायरेक्शन में है B, रोटेट कैसे हो रही है, ये क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे रोटेट हो रही है, अगर ऐसे रोटेट हो रही है M से B की तरफ, सॉरी M से B नहीं कह सकते, अगर ऐसे रोटेट हो रही है तो फिर राइट हैंड रूल से M क्रॉस B किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर तो होगा, बट अगर B क्रॉस M है, अगर हमने इसे U रोटेट किया, सपोज ये एक स्क्रू है और इसको हमने U रोटेट किया, तो ये अंदर जाएगी या बाहर आएगी, अंदर जाएगी, इस तरफ जाएगी, मतलब इसे जाना इस तरफ है, मतलब हम क्या करें, M क्रॉस B करें या B क्रॉस M करें, अगर हम B क्रॉस M करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, बाहर आएगा, अगर M क्रॉस B किया तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, अंदर जाएगा, और अगर ये रोटेट यूँ हो रही है, जो कि होगी, अगर इस डाइपोल पे एक फोर्स यूँ लग रहा है और एक फोर्स यूँ लग रहा है, तो रोटेशन क्या होगा, क्लॉकवाइज ही होगा, तो क्लॉकवाइज रोटेशन के कारण ये जाएगी कैसे, अंदर, अंदर जाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, M क्रॉस B या B क्रॉस M, M क्रॉस B, सो वेक्टर फॉर्म में इसी चीज़ को हम लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल्स टू M क्रॉस B, ठीक है, तो ये हो गया टॉर्क और टॉर्क की डायरेक्शन और टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक डाइपोल है तो उसके ऊपर कितना टॉर्क आया ये लग गया, हमें ये भी मिल गया कि इसमें टोटल फोर्स कितना है, ज़ीरो, तो टोटल फोर्स ज़ीरो है, इसका मतलब अगर हमने इसे इधर से इधर मूव कर भी दिया तो वर्क डन कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इसे हमने रोटेट किया तो देर इज़ अ टॉर्क, तो इस टॉर्क के कारण देर विल बी अ वर्क डन, राइट, और वर्क डन इन केस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज डी डब्ल्यू इज पी डी थीटा, अगर हमने उसे एक स्मॉल एंगल डी थीटा से रोटेट किया तो द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज टॉर्क इन टू डी थीटा, ठीक है, ओके। अब इसका और टॉर्क क्या है, टॉर्क इज एम वी साइन थीटा, सो वर्क डन इज एम बी साइन थीटा डी थीटा, ये एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, तो अगर हम वर्क जो कर रहे हैं वो थीटा वन से थीटा टू रोटेट कर रहे हैं डाइपोल को, तो यही चीज़ क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू एम बी साइन थीटा डी थीटा, इसमें M और B तो कांस्टेंट हो गए, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और डाइपोल मोमेंट भी कांस्टेंट है, तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ जस्ट साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू, थीटा वन इज इनिशियल एंगल, थीटा टू इज फाइनल, सो दैट इज माइनस एम बी कॉस थीटा फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू और माइनस एम बी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, या एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, कैसे भी कर सकते हो, सो दिस इज वर्क डन, राइट। एंड अब इसमें अगर जो हमारा इनिशियल एंगल है थीटा वन, इफ दैट इज 90 डिग्री, इसको हम मानते हैं अपना रेफरेंस, वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू जीरो,
ठीक है, और वैसे भी cos थीटा 1 क्या हो जाएगा, जीरो। तो यही चीज़ वर्क डन क्या हो जाएगी, एम बी जीरो माइनस cos थीटा, वेयर थीटा 2 इज जस्ट थीटा, जो हमारा फाइनल पोजीशन। तो ये क्या हो गया, माइनस एम बी cos थीटा, दैट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम दिस पोजीशन। इस पोजीशन से थीटा पोजीशन में लाने के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या है, माइनस एम बी cos थीटा, ठीक है। और ये जो वर्क डन होता है, क्योंकि हम अगेंस्ट द फील्ड काम कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली द पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस एम बी cos थीटा, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो u इज इक्वल्स टू माइनस एम डॉट बी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। तो टॉर्क, और टॉर्क ने ही हमें दिया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। अगेन इसको तुम रिलेट कर सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक से, वहाँ पे ये क्या आया था, पी क्रॉस ई, और ये क्या आया था, माइनस पी डॉट ई, पी ई साइन थीटा, और वो माइनस पी ई कॉस थीटा।